नहीं डिफरेंट है, हर शो डिफरेंट है, हर शो को होस्ट करने का अलग तरीका है। जब फ्लर्टिंग का मौका आएगा तो तब भी देखेंगे। नहीं नहीं हाँ बड़ी गड़बड़ देंगे। सभी को एंटरटेन करने वाले हैं और उदित जी का भी हमें काफी अच्छा नया रूप देखने को मिला, काफी मजाक के अंदाज। बिल्कुल बिल्कुल बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। मैं आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इन तीन दिग्गज के साथ होस्ट करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक इन्होंने एक से बढ़कर एक गाना गाया है, एक से बढ़कर एक अवार्ड जीता है एंड खूब मस्ती यहाँ पे देखने को मिलने वाली है फॉर श्योर। ओके अलका मैम, आपको जानना चाहूंगी आपका भी आज मन कर गया गाना गाने का जबकि आप एक ड्यूएट परफॉर्म कर चुके हैं, क्या थी? मुझे कहा गया था कि पहले आप गा लो फिर साथ में गाना, मैंने बोला कि इसके पहले कि शानू जी भाग जाएं क्योंकि उनको जाना था, मैंने बोला पहले हम लोग तीनों गा लेते उसके बाद मैं गा लूंगी। और अभी तो बहुत कुछ देखने का बाकी है। उदित जी का आपने एक ही रूप देखा है, उनके बहुत रूप हैं, अभी आपको धीरे धीरे निकलेगा बाहर सब। अभी आप देखिएगा कि हम तीनों का कैसा झगड़ा होता है स्टेज पे और क्या हम लोग मजा करेंगे ताकि लोगों को कितना मजा आएगा उसके बाद। बहुत कुछ होता है, झगड़ा भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, लेग पुलिंग भी होती है। आई थिंक हम लोग बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम काइंड ऑफ डिकेड ऑफ म्यूजिक, हमारी म्यूजिक की सेंसिबिलिटीज भी काफ़ी मिलती हैं और क्योंकि हम लोगों ने काम किया है इतना एक दूसरे के साथ तो कंफर्ट लेवल बहुत है एंड उस पर हम तीनों के साथ सोने पे सुहागा मनीष। So, क्या बात, मनीष जी साथ में है, लुकिंग फॉरवर्ड। क्या बात, उदित जी क्या कहेंगे आपका किस तरह से बॉन्डिंग कनेक्शन, जिस तरह से आपने कहा आदित्य ने भी यहीं से शुरू किया था, तो मैं बच्चों को जब देखते तो क्या लगता है? जी मुझे बहुत खुशी है कि जी टीवी में मेरा बेटा उदित सॉरी जी टीवी में मेरा बेटा आदित्य ने एंट्री की फर्स्ट टाइम और आज वो आप लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। मुझे इस बात की खुशी है और जी से हमारा ऐसा रिश्ता है कि एक घर जैसा है, इतने बरसों से वही प्यार वही सब कुछ है हमारे साथ। और ये जी टीवी जो है आज 25वां साल कंप्लीट किया है और इस खुशी के उपलक्ष्य में हम तीनों को ट्रायो को पहली बार साथ में लाए हैं तो इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी टीवी का और मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दो दो शो कर रहे हैं, एक डांस स्वयंवर कर रहे हैं और यहाँ पे आप बच्चों के साथ हैं, तो क्या कहेंगे कितना ज्यादा आपके लिए टास्क है? नहीं डिफरेंट है, हर शो डिफरेंट है, हर शो को होस्ट करने का अलग तरीका है, अलग अंदाज है, अलग पेत्रे हैं, तो ये शो बिल्कुल डिफरेंट है, वो शो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, बस मिक्स ना कर देना। नहीं नहीं हाँ बड़ी गड़बड़ देंगे। लेकिन इस शो में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ म्यूजिक एंड जो बच्चे हैं बहुत कमाल का गा रहे हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड की ऑडियंस जो है वो पसंद करे और इन्जॉय करे। अरे ये तो कुछ नहीं है, आपने चार सुने हैं, बहुत से बच्चे हैं, अब यहाँ लिमिटेड टाइम था तो ज़्यादा कुछ सुना नहीं पाए, लेकिन बहुत और हमारी हम लोग बहुत मुश्किल में हैं क्योंकि हमको चूज़ करना होता है कि फाइनल ऑडिशन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो किसी को बाहर किसको रखें किसी को ना रखें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं और आप लोग अभी 29th से देखिए आप लोगों को खुद लगेगा कि यार ये बच्चे कहाँ से आए हैं, क्या क्या है इनके अंदर, मजा आ जाएगा आप सब लोगों को। जी टीवी की जो म्यूजिक टीम है उनको थैंक्स बोलना चाहिए, कहाँ कहाँ से बच्चे ढूंढ के लाए और बड़ी मेहनत से छोटे छोटे गाँव से छोटे छोटे टाउन से गलियों से कुचों से कहाँ कहाँ लेके आए, तो दाद देनी पड़ेगी उनको। अच्छा अगर लेग पुलिंग की बात करें या फिर दिल पे एक आशिक तो आप हैं ही, तो यहाँ पे कौन आपका टारगेट होगा या मैम? देखिए फिलहाल तो बच्चों का शो है, फिलहाल तो बच्चों का शो है तो बच्चों पे ध्यान देंगे, जब फ्लर्टिंग का मौका आएगा तो तब भी देखेंगे। आई थिंक जब फ्लर्टिंग का मौका आएगा आई थिंक यहाँ से जो कमाल के गाने निकलने वाले हैं तो मेरी तो ऐश होने वाली है, तो देखते हैं तगड़ा फ्लर्टिंग होने वाला है, फिर मुझे और मौका मिलेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन जैसे कि मैम ने कहा बहुत बढ़िया कंटेस्टेंट्स आए हैं तो हमारी जो कॉन्टेंट टीम यानी नीरज जो है नीरज शर्मा एंड उनकी पूरी टीम ने मिलकर बहुत बहुत बढ़िया बच्चे इकट्ठे किए हैं, ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड। ओके फ्लर्टिंग की बात की जा रही है तो अगर स्वयंवर में भी जिस तरह से फ्लर्टिंग की जा रही है उसके साथ आ गए वहाँ पर, क्या लगता है शहनाज वाकई में किसी से कर पाएंगी या नहीं स्वयंवर? यार देखिए उसके लिए मैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा बिकॉज ये जी टीवी की है, तो फिलहाल सारेगामा की बात करते हैं है ना, तो फिलहाल उसी की बात करेंगे, तो मैं यही चाहूंगा सारेगामा पा आप जरूर देखें, सारेगामा पा लिटिल चैंप्स 29 फरवरी से सैटरडे संडे जी टीवी पर रात 8 बजे।